प्रदेश में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 18 जून को होने हैं, 3 लोग चुने जाएंगे। इसी चुनाव से प्रदेश में भविष्य की राजनीतिक स्थिति भी निर्भर करेगी। यह बात फिर कभी, आज बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की, जिनके राज्यसभा में 4 साल अभी हाल ही में पूरे हुए हैं। उन्होंने कोरोना के लिए रीवा को 10 लाख रुपए भी दिए। आइए जानते हैं उनके 4 साल कैसे बीते। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, कल मेरे 4 साल पूरे हो गए हैं। मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे कार्य करने का काफी मौका मिला। देश की संसद में जब मैं पहुंचा तो पहले दिन से ही मुझे बोलने का मौका मिला और काफ़ी मिला। चाहे वो कश्मीर पे जब डिस्कशन हुआ तो मुझे फील किया गया था, जीएसटी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी मेरे को बोलने का मौका मिला। उस वक्त जेटली जी हमारे वित्त मंत्री होते थे, पॉस्को के अमेंडमेंट्स पे मेरा डिस्कशन था, मैंने बल्कि लीड किया था डिबेट। न्याय व्यवस्था पे जब डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसी तरह कमर्शियल कोर्ट्स, डीआरटी एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आए, उन अमेंडमेंट्स पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं तो यही कह सकता हूँ कि उन मौक़ों का मैंने पूरा उपयोग किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चाहता था परिवर्तन, उसके बारे में मैंने तर्क दिए। और मेरे तर्क हर वक्त जो भी मिनिस्टर इंचार्ज थे वो नोटिस भी किया करते थे। दूसरा पहलू था मध्य प्रदेश, जहाँ चुनाव हो रहे थे 18 में। राज्यसभा में आ जाने से एक मेरा अमुक रोल था, तब हमारे लीडर्स के साथ उस चेंज के लिए प्रयास करने का, तख्त ताज पलटने का ये एक मौका था, और बखूबी हम लोग ने वो तख्त और ताज को पलटा। ये दूसरा विषय है कि किस तरह से बीजेपी ने हम लोग से सत्ता छीनी, जिस जो उनकी नीति और रीति थी उसको पूरे देश देख रहा था। और अब ये एक नए विषय का डिबेट है कि इस प्रकार का प्रजातंत्र क्या हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। मेरे को इससे भी संतुष्टि हुई कि मैंने मेडिकल मिशंस जो पहले से मैं कर रहा था वो जारी रखा। मंडला मेडिकल मिशन जो अब की हुआ था 7 से आई थिंक 13 नवंबर या 14 नवंबर तक, वो एक लैंडमार्क मिशन था। 1 लाख करीब पेशेंट्स वहाँ आए थे, फुटफॉल थी, हज़ारों की तादाद में ओपीडीज हुई, इलाज हुआ, सर्जरीज हुई, प्रोसीजर्स हुए। और मिशन के ख़त्म होने के बाद भी चाहे वो जबलपुर हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, एम्स भोपाल, चिरायु भोपाल, अरबिंदो इंदौर और तमाम हॉस्पिटल्स, इवन बॉम्बे के, दिल्ली के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ने बहुत सहयोग किया और सैकड़ों सर्जरीज हुई, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुई अंडर द बैनर ऑफ रोटरी राहत प्रोग्राम। बहुत सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था जब हम लोग इतने सारे लोग तक पहुंच सके। इसमें भी बहुत सहयोग मिला रोटेरियंस का, डॉक्टर्स का, 650 डॉक्टर्स मंडला आए थे उस दरमियान। जिस तरह से डॉक्टर त्रिहान की टीम, मैक्स की टीम, फोर्टिस की टीम, एम्स की टीम, अरविंदो की टीम, चिरायु की टीम, जबलपुर हॉस्पिटल की टीम, मेडिकल कॉलेजेस की टीम हमारी मदद कर रही थी, और जिस तरह से चंडीगढ़ से 30-40 जो डॉक्टर्स आए थे वो मदद कर रहे थे, मैं तो सोचता हूँ कि बड़ा गजब का प्रयास था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और इस प्रकार के प्रयास अगर देश के अन्य भागों में भी हों तो जनता लाभान्वित होगी। कोरोना काल भी एक वक्त आया जिसमें हमको एक एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी दिखी। जब कभी भी मानव सेवा का कोई वक्त आता है,
हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि किसी के बोलने से नहीं खुद पहुंच जाते हैं। यही रोटरी की एक दृष्टि और कल्पना है। हम लोग ने इस कोरोना काल में कश्मीर के लोगों के लिए खूब मदद की, मध्य प्रदेश के लोगों की तो भरपूर मदद की, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के द्वार बंद हो गए थे उसको खुलवाने में मदद की, उससे कम से कम 10,000 लोग लाभान्वित हुए थे। किस हमारे माध्यम से हम लोगों ने सब चीफ मिनिस्टर्स 32 चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखे, मेल्स भेजी, बहुत लोगों से बात की और मूवमेंट कराया ट्रेन से, बसेस से। इसमें मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे अफसरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ मिलकर। और इसी तरह हमको कश्मीर में जो तमाम लोग फंसे थे, हज़ारों की तादाद में पूरे देश में, वहाँ तो सरकार भी नहीं है, ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेशन है और ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, किस तरह ने हम लोगों ने सरकारों को परसुएट किया, बसेस कराई, ट्रेन्स कराई और इन लोगों को वापस कश्मीर भिजवाया। और ये संख्या बहुत बड़ी है, कई लॉ स्कूल्स के बच्चे सामने आए, एलुमनाई सामने आए और उन्होंने कहा कि हम देश के गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट करके इंडिगो फ्लाइट्स जो बेंगलोर से और हैदराबाद से रायपुर आनी थी उसका कोऑर्डिनेशन किया और करीब 150-200 माइग्रेंट्स इन दोनों शहरों से इंडिगो की प्लेन से रायपुर पहुंचे। ये भी एक माइलस्टोन था। फॉरेन में बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कश्मीर के, सब तरफ के लोग फंसे हुए हैं। तीन स्टेट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कश्मीर में मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई। और दुबई में लोग फंसे हैं, करेगिस्तान में फंसे हैं, यूके में फंसे हैं, कैनेडा में फंसे हैं, यूएस में फंसे हैं, सिंगापुर में फंसे हैं, सब तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, मेल्स आ रही थी। मैं इन रिक्वेस्ट और मेल्स को बाकायदा सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी साहब तक पहुंचा रहा था, मेल्स कर रहा था। इसी तरह मैं जयशंकर जी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन तक पहुंचा रहा था और हम लोग अपनी तरफ से एक प्रेशर ग्रुप बन के एग्जर्ट कर रहे थे कि भाई इनको आपका जो वंदे मातरम मिशन है या वंदे भारत मिशन है उस पर जल्दी इन लोगों को इवैक्यूएट करिए। बहुत लोग परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्टूडेंट्स रशिया में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की संख्या में फंसे, आज भी फंसे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दुबई में फंसे हैं, रेगिस्तान में फंसे हैं, यूएस से तो बहुत रिक्वेस्ट आती है, यूके से बहुत रिक्वेस्ट आती है। अब तो एक प्रकार से फ्लाइट का सिस्टम शेड्यूल्स बन गए हैं, लोग वापस आना भी स्टार्ट हो गए हैं। बट कोरोना एक ऐसा काल था जब लोगों की मदद करने का बहुत बड़ा मौका हम लोग को मिला और हम लोग उस पर अपने तरफ से खड़े उतरने की कोशिश की। आज जब 4 साल मेरे कम्प्लीट होते हैं तो और इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ इन बैकड्रॉप, मुझे लगता है कि मुझे एक आत्मीय संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने तरफ से प्रयास किया जनसेवा का। बिकॉज मेरा ये मानना है दैट अगर ईश्वर आपको सफल बनाता है, सामर्थ्य बनाता है और आप उस सफलता को अगर लोगों से आप शेयर नहीं करोगे तो वो सफलता आपके साथ बहुत दिन रहेगी नहीं। इस कोरोना काल में मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, घर में रहिए, सेफ रहिए, सूझबूझ के रहिए, क्योंकि ये जो स्पाइक है अगले 6 हफ्तों में बढ़ने की इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश की वो हालत हो जैसे अमेरिका, इटली और स्पेन में हुई। तो मैं आप सबको कोरोना काल की बेस्ट विशेष भी देता हूँ कि आप लोग सेफ और घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।